पांच दिन से लापता युवक का शव भूसे के कमरे में फंदे से लटका मिला। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के जोरासी जबरदस्तपुर गांव में पांच दिन से लापता युवक का शव मिला, जो घर के पास ही भूसे के कमरे में फंदे से लटका हुआ था। युवक का शव काला पड़ गया है। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बता दें कि रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जोरासी जबरदस्तपुर निवासी शाहरुख पुत्र इरफान 10 नवंबर को लापता हो गया था। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका, जिस पर परिजनों ने उसकी सूचना पुलिस को भी दी। पुलिस ने भी युवक की तलाश शुरू कर दी लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं आज सोमवार को कुछ बच्चे शाहरुख के घर के पास खेल रहे थे। बच्चे खेलते हुए पास में ही एक भूसे थे भरे कमरे में चले गए तो उन्होंने देखा शाहरुख का शव फंदे से लटका हुआ है, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं कमरे में दरवाजे पर ईंटें लगी हुई, युवक के पैर जमीन पर थे, शरीर काला पड़ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युवक को कई दिन पहले मारकर लटकाया गया है। मृतक के पिता इरफान ने बताया कि युवक को एक युवती से बात होती थी, जिससे मामला प्रेस पर्सन का सामने आ रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं इस मामले में रुड़की सीओ विवेक कुमार ने बताया कि जोरासी जबरदस्तपुर गांव में भूसे के कमरे में शाहरुख नामक युवक का शव मिला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव जोरासी में जो शाहरुख है पुत्र इरफान, वो दो तीन चार दिन से गायब थे, तो उनका शव जो है भूसे की जो कोठे है उसमें जो बच्चों ने जो देखा था खेलते समय, सूचना पर मौके पर जब पहुंची थी तो सब उन्होंने उतार लिया था और शव को जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ सिविल लाइन मोर्चरी में भिजवा दिया गया। इस बारे में परिजनों द्वारा कुछ तथ्य हमारे सामने लाए गए हैं, इस संबंध में जाँच की जा रही है। शाम को ठीक है रोटी खाता हुआ गया, 9 बजे इस पर फोन करा, इतने कहा मैं गाड़ी भर रहा, फिर मैं फैक्ट्री वाले के धोरे कहा, कहने लगा भाई वो आज यहाँ आया नहीं, फिर जो इसे ले गया था बुला गया दिन में, मैं उसके धोरे कहा, उन्होंने कहा भाई मेरा भी फोन नहीं ठहरा हुआ, तो उससे बाद में ना फोन चल रहा अगर ठहर नहीं रहा। अभी 3 दिन पहले लड़की पर फोन आया इस पर ही मारे वाले मोबाइल पर दूसरे पर, यह इन्होंने करा, अगर तेरे पास हो तो तू बता दे, उसने जवाब दिया अगर जो आज कल 3 तक 3 दिन सारा घर पहुंच जाएगा सहारनपुर की लड़की, ये बात बात करा दे फोन पर।